तो बच्चों नेक्स्ट प्रिंसिपल है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि जो पावलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, फिर हंस है, ऑफ बॉय है, ये तीन प्रिंसिपल या फिर रूल आप कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। इन्होंने क्या कहा था, जो आपने इससे पिछली वीडियो में क्वांटम नंबर्स की स्टडी करी, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम। इन्होंने कहा कि जो आपने चार क्वांटम नंबर की स्टडी करी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक और स्पिन, चारों क्वांटम नंबर्स किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम नहीं हो सकते। बड़ा आसान सा है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। आपको मैं अभी प्रूव करके भी दिखा रहा हूं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। अगर n इज इक्वल टू 1 है, यानी फर्स्ट सेल है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, ठीक है, और l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है, और m के किसी भी वैल्यू के लिए s की वैल्यू हमेशा या मान कितने होंगे, 2 होंगे, s इज इक्वल टू +1/2 और s इज इक्वल टू -1/2। ये चारों क्वांटम नंबर्स हमने आपको बताई, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है जिसे सेल कहा जा, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर्स हैं जिसे सब सेल कहा जा, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, जो ओरिएंटेशन देते हैं, और ये स्पिन है। m m में क्या है, एक ऑर्बिटल्स, ठीक है बच्चों, अगर आप पूरी डिटेल से देखें, ये फर्स्ट सेल की बात कर रहा, अगर फर्स्ट सेल में देखें तो हम सिर्फ क्या होगी, s सब सेल होगी, क्या होगी, s सब सेल होगी, यानी हमने कहा था l की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, n माइनस 1, ठीक है, और n क्या है, 1 माइनस 1 तो क्या आ गया, 0, तो n अगर n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या हुई, 0, और l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हमने आपको यह भी बताया था। तो हम इसमें अगर l इज इक्वल टू 0 रख दे तो m इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है, लेकिन किसी भी ऑर्बिटल्स में एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सके, 2 हो सके, ये हमने आपको बता रखा, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज हो या फिर दोनों की एंटी क्लॉकवाइज हो, एक की हमेशा क्लॉकवाइज होगी और दूसरे की कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इन्होंने कहा, ये देखो आप यहां देख ले सभी बच्चे, एन इज इक्वल टू 1, एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है नहीं, एम की वैल्यू 1 है नहीं, तो इसमें सिर्फ दो ही क्वांटम नंबर सेम है, एल और एम, ठीक है, बाकी क्वांटम नंबर सेम नहीं है। अब हम सेकंड सेल के लिए भी देख, हमने आपको एन बराबर 1 के लिए बताया, अब हम आपको एन इज इक्वल टू 2 के लिए भी चेक करके बताऊंगे, एन इज इक्वल टू 2 के लिए जो एल की वैल्यू है वो बच्चों कितनी होगी, 2 होगी, एल इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1। हमने देखो आपको बताया था, अगर आप सेकंड सेल लेते हो तो उसमें टोटल 2 सब सेल होंगी, 0 कहीं को रिप्रेजेंट कर रही s सब सेल को और 1 कहीं को कर रही p, ठीक है बच्चों। तो हम अब चेक करेंगे कि जो सेकंड सेल है उसमें भी कितनी हो सके बच्चों, कोई क्वांटम नंबर्स हो सके, चारों सेम हो सके या नहीं। l इज इक्वल टू, इसके लिए तो हमने अभी कैलकुलेट करी, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1/2 और s इज इक्वल टू -1/2। तो ये देख लो, ये क्वांटम नंबर सेम है, सिर्फ दो ही सेम है, बाकी सेम नहीं होंगे। इसी तरीके से आप इसके लिए देखो, l इज इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू +1, ठीक है, और m के किसी भी वैल्यू के लिए, मान के लिए हमेशा इसके दो मान होंगे, +1/2 -1/2
ये जो प्लस वन अपॉन टू और माइनस वन अपॉन टू है बच्चों, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, ये जो नंबर्स हैं यहाँ सारे, ये रिप्रेजेंट करें कहीं ऑर्बिटल को, कोई डायरेक्शन को, कोई सब सेल को, तो कोई सेल को यानी मेन एनर्जी लेवल को, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर नंबर ही ना समझे कि ये नंबर कैसे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स के द्वारा। तो यहाँ आप देखो, अगर हम सेकंड सेल में देखें तो सेकंड सेल में भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, ठीक है। आप इसमें अगर इस ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल्स की बात करें, एस ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन हो सके, दोनों इलेक्ट्रॉन की किसी की स्पिन ऊपर को तो किसी की स्पिन नीचे को है। फिर एल इजिकल टू वन के लिए हमने आपको बताया कितनी वैल्यू हो सके इसकी, एम की हमने एक आपको फॉर्मूला दिया था, माइनस एल जीरो प्लस एल, ठीक है, यानी माइनस एल से प्लस एल तक की वैल्यू। तो अगर हम उसमें वन रखें तो माइनस वन जीरो प्लस वन, यानी थ्री वैल्यू है। और इनकी आप डायरेक्शन देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एन इजिकल टू वन, एन इजिकल टू टू के लिए आपको बताया कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। ये किसने बताया था? पावलोव ने, अपने प्रिंसिपल में जो 1925 में दिया गया था, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, और ये बात उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी सिद्ध करके दिखाई, प्रूव करके दिखाई। अगर आपसे कोई ये पूछने लगे कि जो सोडियम है उसके 11th यानी 11वें इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर्स बताओ, ठीक है, तो जो सोडियम है, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी बताऊंगे एक दो क्लास में, तो ये 11वें इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स पूछ रहा, ठीक है। तो यहां एन की वैल्यू क्या है? एन इजिकल टू है थ्री, एल इजिकल टू क्या है? जीरो, क्योंकि एस एस जो सबसेल है उसे कौन रिप्रेजेंट करे? जीरो यानी शून्य, ठीक है। अब यहां देखो एम की वैल्यू क्या होगी, अब क्योंकि एक ही ऑर्बिटल्स होगा, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? एस, एस में सिर्फ कितने ऑर्बिटल होते हैं? स्फेरिकल इसकी शेप होती है, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी? हाँ, जीरो, और एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, और उसकी स्पिन कैसी है? अपवर्ड। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स हैं कहीं के लिए, इसके 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए सोडियम के। अगर वो आपसे पूछता है कि जो सोडियम है उसका 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स बताओ, तो आप कैसे बताओगे? यहां पर देख लो सभी, ये पूछ रहा 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 11वां था। अगर 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए इसके चारों क्वांटम नंबर्स आपको पता करना पड़े तो कैसे बताओगे? जाहिर सी बात है, 10वें इसमें 4 6 10 यानी इसमें होंगे। एन की वैल्यू सेल कौन सी है? सेकंड सेल है, ये क्या होगी बच्चों? सेल, ठीक है। पी क्या है यहाँ? सब सेल, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा मैं यही लिख दूंगा, सब सेल, ठीक है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेल कौन सी है? सेकंड। सब सेल यानी एल, एल कौन सा है बच्चों? एल हमने आपको बताया था, एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू और एफ के लिए थ्री होता है। तो आप यहां देखो क्या है, पी के लिए वन, ठीक है बच्चों, एल की वैल्यू क्या होगी? वन। एम क्या है? हमने अभी आपको कहा कि जो M है उसके लिए L की वैल्यू कितनी है? वन, माइनस वन जीरो प्लस वन, यानी तीन ऑर्बिटल्स होंगे इसमें। P में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? टोटल थ्री, माइनस वन जीरो प्लस वन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो सिक्स हैं, पहला अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। और ये छठे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा सारी चीजें, ठीक है। एन इजिकल टू टू होगी, सेल सेकेंड होगी, सब सेल कौन सी होगी? पी होगी, ठीक है, यानी वन। अब m इजिकल टू देखो ऑर्बिटल कौन सा इसके सामने, प्लस वन है, ठीक है बच्चों, कौन सा है? प्लस वन। और डायरेक्शन देखो कौन सी है इसकी, डाउनवर्ड, तो माइनस वन अपॉन टू यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब और एग्जांपल लेना चाहो आप, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे एल्यूमिनियम है 13, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कितने हो गए?
12 थ्री पी वन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये अगर 13वें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे तो आपको इसके बारे में बताना 13, अगर 13वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स पूछ रहा तो n इज इक्वल टू कितना एस एल थ्री, ठीक है। l क्या होगा इसमें, p के लिए 1 और तीन ऑर्बिटल होती है p में, माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है। टोटल एक इलेक्ट्रॉन है इसमें माइनस 1 में, m इज इक्वल टू होगी माइनस 1 और s इज इक्वल टू डायरेक्शन प्लस 1/2। तो इस तरीके से आप चारों क्वांटम नंबर्स क्या है पता कर सकते हो किसी के लिए भी, ठीक है बच्चों। तो ये था पाउलीज प्रिंसिपल, इन्होंने कहा था कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, दो हो सके, तीन हो सके, चौथा तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको हमने करके भी दिखाया कि इस तरीके से आप इसमें देख लो, अगर आप कोई से भी देखो दो इलेक्ट्रॉन को लेकर चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर हम कंपेयर करें एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका, तो देखो सेल सेम है लेकिन सब सेल बदल गई, यहाँ एस है और यहाँ पी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के लो तो इनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, एक की अपवर्ड रहेगी तो दूसरे की डाउनवर्ड रहेगी। सभी बच्चे नोट कर लें।